Hey what's up guys, welcome back to the channel। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। इससे प्रीवियस यार मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट में आप कीवर्ड कैसे यार मेंशन कर सकते हो एंड कैसे आप रिसर्च कर सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को। होप सो आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं। देखो कीवर्ड के बारे में तो यार मैंने आपको बता दिया था, कीवर्ड यार हमारे सेट ऑफ करेक्टर रहते हैं जो कि हमारी वेबसाइट, हमारे बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं। हम मान के चलते हैं यार, यहाँ पे देखो मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट में मेरे जो कीवर्ड रहेंगे तो वो ऐसे रहेंगे। देखो मेरी जो लोकेशन है, जो मेरा ऑफिस है वो नोएडा में लोकेटेड है, तो मेरे जो कीवर्ड रहेंगे वो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी नोएडा, वेब डेवलपमेंट कंपनी नोएडा, टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा। तो ये वाले कीवर्ड यार मेरे लिए अच्छे एंड बेनिफिशियल कीवर्ड रहेंगे। एंड इनको कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे आप रैंकिंग वाले कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, वो वीडियो मैंने यार इससे प्रीवियस बना रखी है। सो गाइस अगर आपने वो वाली वीडियो यार अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना एंड देखना यार कैसे आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के लिए हाई रैंकिंग वाले कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार हम आज की वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीवर्ड, कि हमारे कीवर्ड यार कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो कीवर्ड है वो है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड को यार हम फोकस्ड कीवर्ड भी कहते हैं एंड प्राइमरी कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड रहता है। अब देखो यार जो हमारी वेबसाइट होती है वो होती है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस में यार हमने अपने एक-एक पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, तो पर्टिकुलर पेज का यार एक कीवर्ड होगा एंड मेन कीवर्ड एक होगा। जैसे मैं अगर मैंने एक पेज बनाया अपनी वेबसाइट का, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो वहां पे मैं अपना मेन कीवर्ड को रखूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी नोएडा। तो ये वाला मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, फोकस्ड कीवर्ड है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड है। सेकंड कीवर्ड आता है यार हमारा सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड यार हमारा एक रिलेवेंट कीवर्ड होता है, यानी कि उस कीवर्ड से रिलेटेड एक और कीवर्ड, जैसे टॉप वेबसाइट कंपनी नोएडा, तो ये वाला हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड यार हमारा 3 से 4 वर्ड को लेके बनता है, जैसे वेबसाइट कंपनी नोएडा या टॉप वेबसाइट कंपनी नोएडा, ये वाला हमारा यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड है। एंड फिर फोर्थ वन आ जाता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमारा यहाँ पे देखो 2-3 कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड में, जैसे बेस्ट वेबसाइट कंपनी नोएडा। एंड इसी वाले कीवर्ड में हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड भी डिफाइंड है, वेबसाइट कंपनी नोएडा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल में यही डिफरेंस है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड को भी कंटेन करता है अपने अंदर। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ कीवर्ड के बारे में बात करूं तो फिफ्थ कीवर्ड है हमारा कमर्शियल कीवर्ड, या उसको हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी कहते हैं। अगर आप यार एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या आपने आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए यार एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड या एक कमर्शियल कीवर्ड रहता है, ताकि आपका यूजर जो भी सर्च करे यार, क्वेरी सर्च करे। जैसे यार यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेके इसको समझाऊं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड को, तो जैसे मेरा एक स्टोर है या मेरी एक शॉप है, मैं फोन को सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यार आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड हमारे कैसे रहते हैं। जैसे मेरा एक स्टोर है या मैं एक आईफोन को यार आईफोन या जो फोन है उनको मैं सेल करता हूँ, तो मेरे लिए यार जो बेस्ट कीवर्ड रहेंगे तो वो ऐसे रह सकते हैं, बेस्ट आईफोन अंडर 30,000, बेस्ट आईफोन या बेस्ट फोन अंडर 40,000, बेस्ट कैमरा फोन अंडर 50,000, ये वाले मेरे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड रहेंगे। कि यहाँ पे यार एक ट्रांजैक्शन शो हो रही है कि अगर कोई ये वाले कीवर्ड सर्च करेगा तो वो कहीं ना कहीं यार परचेज की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होगा क्योंकि मेरे को ये वाले बजट के अंदर फोन चाहिए एंड मैं उसको परचेज करूंगा, तो ये वाले कीवर्ड हमारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड रहते हैं। एंड उसके बाद आते हैं यार हमारे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड यार हमारे मोस्टली ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट पे हम मेंशन करते हैं, जहां पे हम अपने कंटेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो ये वाले हमारे जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड रहते हैं वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करते हैं। एंड उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं यार मिसस्पेल कीवर्ड। मिसस्पेल कीवर्ड तो यार हमें वैसे भी अपनी वेबसाइट में मेंशन नहीं करने होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो यूजर होता है वो ही यार सर्च इंजन पे मिसस्पेल या उसकी तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है एंड उसके थ्रू
उसको जो रिजल्ट मिलता है वो मिसस्पेल कीवर्ड में आते हैं। एंड लास्ट वन है यार हमारा सीजनल कीवर्ड। सीजनल कीवर्ड यार जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है उस टाइम पे आप सीजनल कीवर्ड को रख सकते हो, या आपका कोई ऐसा ब्रांड है या आपका प्रोडक्ट है वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू अप्रैल या मई। जैसे आपका यार यहाँ पे बिजनेस है, आप स्वेटर वगैरह सेल करते हो, तो आपका ये सीजनल कीवर्ड रहेगा। आप स्वेटर यार मार्च या अप्रैल में इतनी ज्यादा बूस्ट या उतनी ज्यादा नहीं चाहोगे, क्योंकि अप्रैल और मई में कोई भी स्वेटर परचेज नहीं करेगा। बट कंपेयर करें उसको तो नवंबर दिसंबर में यार हर कोई सर्च कर रहा होगा स्वेटर से रिलेटेड। तो ये हमारे सीजनल कीवर्ड रहते हैं। ये थे यार हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड। एंड अपने वेबसाइट, अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को समझते हुए यार अपनी वेबसाइट पे ये कीवर्ड मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो या SEO करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।